महोकंठ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नेपुरा गांव का मामला। एक परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। परिवार वालों का कहना है कि उनके इलाज के लिए उनके पास पैसे भी नहीं है और डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया है। यह गरीब परिवार आर्थिक मदद मांग रहा है, कोई इनकी सहायता कर दे तो अच्छी बात है। परिवार के खाने पीने के लिए अनाज तक नहीं है। परिवार गाँव वालों से मांग मांग कर अपना भरण पोषण कर रहा है। खाने के लिए अनाज भी नहीं है। क्या 4-5 बच्चे हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। पूरा परिवार मरने की कगार पर है। परिवार के पास न खाने के लाले पड़े हैं, इधर उधर से व्यवस्था करते हैं। स्थिति इतनी खराब है कि सरकार से आर्थिक मदद मांग रहा है। हमारी बात सरकार तक पहुंचाई जाए। ससुर और पति बीमार है, पैसा ना होने के कारण डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया और इन्होंने अपनी जमीन भी गिरवी रखी है। आपको क्या समस्या है भाग? हमारी समस्या है लला के हमारे ससुर की तबीयत खराब है। पैसे हाँ। है नहीं, आज गए ससुर की तबीयत खराब है और 4-5 बच्चे हैं। बच्चा है, ये गरीब आदमी है, पैसे है नहीं है। हम परेशान बहुत हैं और रुपया लगा लगा के बहुत परेशान हो गए। सब लोग बीमार है, वो तो कुछ सुनते नहीं है। डॉक्टर पैसा मांगता है आपसे? क्या कह रहा था? सर जितना हो तो हमने 1-2 लाख रुपये लगा था, अब नहीं है हमारे पास। वो पैसा मांगता है, 1 रुपया दो। जब कुर्ता डरे गाँव। अच्छा, जमीन गिरवी रख दिया क्या? हाँ, जमीन हती जितनी हमने सब रख ले जाने। अच्छा ठीक है जी। उनको क्या समस्या है अपने? उनको सर उनकी गुर्दा गल गल गए और डॉक्टर पैसा मांगता है। और आज क्या ससुर है साहब, उसको दिमाग खराब हो। अच्छा, और कुछ सुनाया आपने? अच्छा ठीक है, चलो हम और ठीक ठीक। अब आपको क्या समस्याएं हैं बताओ? अब जो है कि हमने झांसी में भर्ती बनी रही फिर बांदा में फिर नैनी फिर इलाहाबाद। अब हमारे पास में नहीं है पैसा तो डॉक्टर ने भगा दो। खून ले आओ, वो खून हमने डरवा लो पहला 3 लीटर। फिर अब वो हुए के लेटरिन बंद हो जा, भूख नहीं हुई और ना ठाड़ी हो पाऊ ना बैठ पाऊ। अब आपको बकया है कि कौन सी समस्या हो रही है, कौन सी आपको बीमारी है ये बताओ। अब डॉक्टर बता रहे कि फीफड़ा गल गए तुम्हारे। अच्छा, तो पैसा कितना मांगते हैं वे लोग? पैसा तो वो ये कि अब फिल्टर में 3,000 लगत। जब जो जो खून को चेक इन हो और फिर अब एक आते के खून डराओ नहीं तो हटो देते। भगा दिया आपको? अच्छा, तो और कोई नहीं सुनता है आपकी? कोई नहीं सुनाता। किसी को बताया आपने? आए थे जी भाजपा वाले। तो उन्होंने आश्वासन दिया आपको? हाँ। अच्छा, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि हम खुश कर ले तुम्हारी। अच्छा अच्छा ठीक। और कोई समस्या है आपको? अब यही है कि ठाड़े नहीं हो पाऊता जब एक आदमी ठाड़ करे। ठीक है।